आज का टॉपिक है इफ एल्स एंड एल्स इफ लैडर इन सी प्रोग्राम। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिंपल इफ स्टेटमेंट कैसे यूज किया जाता है। इफ ब्लॉक का सिंटैक्स है इफ ब्रैकेट में कंडीशन, ओपन करली ब्रेस और क्लोजिंग करली ब्रेस यानी ब्लॉक। लेकिन ये ब्लॉक लिखना कंपलसरी नहीं होता। अगर हम ये ब्लॉक नहीं लिखते हैं तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ इस कोड में हमने ब्लॉक यानी ओपन करली ब्रेस और क्लोज करली ब्रेस नहीं लिखा है, क्योंकि इफ कंडीशन के बाद सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना एक्सपेक्टेड है। लास्ट प्रिंटएफ स्टेटमेंट तो कंडीशन के फॉल्स या ट्रू दोनों ही रिजल्ट पे रन होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कंडीशन के फॉल्स रिजल्ट पे डिस्प्ले स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखना है तो हमें लिखना होगा एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा इफ कंडीशन के फॉल्स इवैल्यूएटेड रिजल्ट पे। इसलिए एल्स ब्लॉक लिखने के लिए इफ ब्लॉक का एल्स ब्लॉक के पहले प्रेजेंट होना जरूरी है। अब देखते हैं कि इफ एल्स का सिंटैक्स क्या है। इफ ब्रैकेट में कंडीशन, ओपन करली ब्रेस, क्लोज करली ब्रेस। इस ओपन और क्लोज करली ब्रेस के अंदर हम लिखेंगे ट्रू स्टेटमेंट्स, जो अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ इफ ब्लॉक के खत्म होने पे हमें लिखना है एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक के ओपन और क्लोजिंग करली ब्रेस में हमें लिखना होगा कंडीशन के फॉल्स इवैल्यूएटेड रिजल्ट पे जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे वो स्टेटमेंट्स। अब इसे सी के कोड एग्जांपल में देखेंगे। क्वेश्चन है, एक्सेप्ट एनी नंबर एंड चेक वेदर इट इज सिंगल डिजिट नंबर और नॉट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनपुट वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। तो लिखेंगे इंट नम, इनपुट के लिए दो स्टेटमेंट्स लिखने हैं। पहला प्रिंट एफ जो डिस्प्ले करेगा, ये स्टेटमेंट यूजर को सूचित करेगा कि उसे नंबर एंटर करना है। दूसरा स्टेटमेंट होगा स्कैन एफ जो नंबर इनपुट करेगा। अब हमें चेक करना है कि यूजर ने एंटर किया हुआ नंबर सिंगल डिजिट है या नहीं। इस रेंज के लिए हमें कंपाउंड कंडीशन लिखना होगा जो है नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लॉजिकल एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 9, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा। आगे लिखेंगे ओपन करली ब्रेस और क्लोज करली ब्रेस जो ब्लॉक है। इस ब्लॉक में ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए लिखेंगे प्रिंट एफ डबल कोट्स में परसेंट डी ईच सिंगल डिजिट नंबर डबल कोट कंप्लीट कॉमा नम। अब जैसे पहले वीडियो में देखा था, यहां पे परसेंट डी नम के वैल्यू से रिप्लेस होगा। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में फॉल्स कंडीशन के लिए भी पूछा है, हमें लिखना है एल्स ब्लॉक। फ्रेंड्स, एल्स ब्लॉक हमेशा इफ ब्लॉक के क्लोजिंग करली ब्रेस के इमीडिएटली बाद में लिखना है। इस ब्लॉक में फॉल्स स्टेटमेंट यानी अगर ये कंडीशन फॉल्स रिजल्ट देता है तो हमें जो लिखना है वो लिखना होगा। अगर हमें दो से ज्यादा कंडीशन यूज करने हैं तो लिखना होगा इफ का लैडर। तो सबसे पहला कंडीशन हम लिखेंगे इफ में, और अगर ये कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएटेड रिजल्ट देता है तो
else में लिखना होगा, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ दूसरा कंडीशन नहीं है, मल्टीपल है, तो क्या लिखना होगा? एल्स इफ। अब इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। क्वेश्चन है, एक्सेप्ट एनी नंबर एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल नंबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इनपुट वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो लिखेंगे इंट नम। अब इनपुट के लिए दो स्टेटमेंट्स, प्रिंटएफ और स्कैनएफ। अब होगा कंडीशंस। पहला पॉजिटिव यानी कंडीशन है इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। सेकंड निगेटिव यानी कंडीशन है इफ नंबर इज लेस देन जीरो। और तीसरा न्यूट्रल यानी कंडीशन है इफ नंबर इक्वल टू जीरो। इसलिए फर्स्ट कंडीशन का इफ लिखेंगे, इफ ब्रैकेट में नम ग्रेटर देन जीरो, ओपन करली ब्रेस, क्लोज करली ब्रेस यानी ब्लॉक। इस कंडीशन के ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए लिखना होगा प्रिंटएफ नंबर एंटर्ड इज पॉजिटिव। अब फॉल्स स्टेटमेंट के लिए दो कंडीशंस है, इसलिए सिर्फ एल्स लिख के नहीं चलेगा, हमें लिखना होगा एल्स इफ। तो अब एल्स इफ में हम कंडीशन लिखेंगे नम लेस देन जीरो। इस कंडीशन का ट्रू स्टेटमेंट लिखना है जो है प्रिंटएफ नंबर एंटर्ड इज निगेटिव। अब थर्ड कंडीशन क्या है? नंबर इक्वल टू जीरो, तो लिखेंगे एल्स इफ ब्रैकेट में नम, यहां पे इक्वल टू नहीं लिखेंगे, एग्जैक्टली इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू के लिए रिलेशनल ऑपरेटर है डबल इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू जीरो, उसके बाद ब्लॉक। अब इस कंडीशन के ट्रू स्टेटमेंट लिखना है, तो लिखेंगे नंबर एंटर्ड इज न्यूट्रल। यहां लास्ट इफ ब्लॉक में हम सिर्फ एल्स भी लिख सकते हैं,